वेलकम बैक गाइस, आई एम योर फ्रेंड मोहम्मद ताबिश एंड यू आर वॉचिंग स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। आज के मैं स्पेशल वीडियो में बात करने वाला हूँ वेट गेन के बारे में। मैं जानता हूँ आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लोगों से भी पूछा होगा कि हम अपना वेट गेन कैसे करें, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा। आपको कुछ लोग बोलते होंगे कि तू बहुत कमज़ोर है, तू सुगड़ी हड्डी है, तू कुछ है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे। अगर वो बंदा टी शर्ट भी पहन लेता होगा तो लोग उसकी मजाक बनाते होंगे। तो अब इंसान करे तो करे क्या? तो मैं इस बात को ये कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना वेट गेन करने में। बात करते हैं कि वेट गेन क्यों होता है किसी भी इंसान का, तो उसके पीछे एक साइंस जानते हैं, एक रीज़न जानते हैं। किसी भी इंसान का अगर वेट गेन होता है तो उसका रीज़न ये है कि जितनी भी कैलोरीज वो पूरे दिन में खाता है तो वो उससे ज़्यादा खा रहा है कैलोरीज, तभी उस इंसान का वेट गेन हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कैलोरिक सरप्लस, यानी जितनी कैलोरीज पूरे दिन में हमने खाई उससे ज़्यादा कैलोरीज हमें खाना पड़ेंगी। मान लिया कोई इंसान 2000 कैलोरीज खाता है या 2500 कैलोरीज खाता है, तो जब तक वो उस कैलोरीज से ऊपर नहीं जाएगा तो उसका वेट गेन कभी नहीं हो पाएगा। तो वेट गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि कैलोरीज जितनी खाते हैं हमें पूरे दिन के अंदर, तो उससे ज़्यादा ही खाना पड़ेंगी। अगर हम जो है कैलोरीज कम खाएंगे तो हमारा वेट गेन कभी नहीं हो पाएगा। तो सबसे हमें जो है ध्यान में रखना है कि कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। अब बात करते हैं वैसे 5 पॉइंट्स के बारे में जिसकी मदद से हम अपना वेट गेन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राई टू ईट हेल्दी फूड्स। इसका मतलब ये है कि आपको हेल्दी फूड ही खाना है। अगर आप ऐसा फूड खाएंगे जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जंक फूड होता है वो, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और हमारा वो वेट गेन नहीं, वो फैट गेन कर देगा और वो हमें लेटर ऑन हमें प्रॉब्लम देगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि एक्सरसाइज। अगर जो इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो उससे होगा क्या कि वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? जैसे मान लिया आपने कोई काम करा या आपने एक्सरसाइज करी, तो उससे होता क्या है कि भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा वो, और आपका वेट गेन होने में बहुत ज़्यादा आसानी से आपका वेट गेन हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि हर 3 से 4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ आपको खाना है जो कि हेल्दी है। 3 से 4 घंटे के आप अंदर आप नहीं खाएंगे तो जो है आपकी बॉडी में जो है कैलोरी जितनी आप मतलब पूरे दिन में खाएंगे तो वो आप कैलोरी से ऊपर नहीं जा पाएंगे। जब जा ही नहीं पाएंगे तो वेट गेन आपका होगा ही नहीं। तो 3 से 4 घंटे के अंदर आप जो है कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, एप्पल खाएं, बनाना खाएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्दी में आती हैं, तो वो सारी चीज़ें खाएं। अगर आप नहीं खाएंगे तो वेट गेन होना आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि जंक फूड को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि यार वेट गेन करने के लिए, आपको किसी ने बताया होगा कि वेट गेन करने के लिए जंक फूड खाओगे तो हमारा वेट गेन आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। मानता हूँ कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो वेट गेन नहीं, फैट गेन होता है, और उसमें जो कैलोरीज होती हैं वो बेकार कैलोरीज होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर कोई इंसान कभी कभी खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको एक अच्छा वेट गेन करना है। जब आप भी ऐसा लगे कि आप जब भी कोई कपड़ा पहने तो आपको फिर सूट करे, आपकी बॉडी चेंज हो जाए, तो जो है जंक फूड से हमें दूर रहना पड़ेगा। कभी कभी हम खा सकते हैं क्योंकि जंक फूड में इतनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी तो वो फैट गेन कर देगा हमारी, और हमें जो है प्रॉब्लम देगा क्योंकि फैट गेन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये खास करके हमें ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में नट्स को ज़रूर ऐड करें। आप पीनट्स और जो है आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में होता क्या है कि उसमें होता है प्रोटीन होता है और होता है हेल्दी फैट। तो इससे होगा क्या कि ये कैलोरीज जो है, जो उसके अंदर कैलोरीज होती हैं नट्स के अंदर, तो वो कुछ ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और वो अच्छी कैलोरीज होती हैं। जब आप नट्स का कंज्यूम करेंगे अपनी डाइट में तो उससे होगा ये कि आपका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप ये सब 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।